अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। इसमें हम देखेंगे बोल्ट्जमैन फैक्टर से क्या मुराद ली जाती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। अब हम एनर्जी के लिहाज से देखेंगे कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका क्या फार्मूला होगा। तो इसमें हम हेल्प लेंगे बेसिक जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक कुछ अजम्पशन बनाएंगे। तो पहला अजम्पशन यही है कि जो सिस्टम के पार्टिकल हैं वो अलग अलग हैं, उनकी पहचान अलग अलग है मगर हैं सारे एक जैसे, ठीक है। फिर आपके पास पार्टिकल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। हर पार्टिकल की अपनी अपनी पोजिशन और अपने मोमेंटा होगा, मोमेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, और आप फेस स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ लार्ज सेल्स के अंदर ताकि समझने में आसानी हो। और ये जो वॉल्यूम होगा आप इतना कम बना सकते हैं टुकड़े कर करके कि अप्रोचेस टू जीरो ले सकते हैं, ठीक होगी बात। अब जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि पर्टिकुलर पार्टीशन जो होगी, जो आपने फेस सेल बनाया है स्पेस वॉल्यूम के लिहाज से, वो आपके प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टिकल कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्फ अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। यानी कि आपके पास वो जो पार्टीशन होगी वो उतने ही नंबर ऑफ वेज में हो सकती है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास, जो अपने आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी स्टेट्स के लिहाज से। अगर 10 स्टेट्स बनती हैं तो 10 पार्टीशन आ जाएंगी। फिर क्या जनाब, अब आप कहेंगे कि आइडियल गैस है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स हैं जो एक सिलेंडर के अंदर है, अगर आइसोथर्मल आइसोलेटेड है तो हम कहेंगे सारी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम कहेंगे अगर ऐसा सिस्टम है जो एक ही स्टेट में है तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के मायनों में हम उसे लेंगे। तो मालूम करते हैं कि जनाब के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एन मॉलिक्यूल्स की जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है, तो कैसे मालूम करेंगे। मैक्सवेल जो आपकी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है एन ई डी ई हम कहेंगे, वो आप लेंगे यानी आपको मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देगी एनर्जी की, जो किस रेंज में होगी, जो ई और ई प्लस डी ई की रेंज में होंगे, ठीक होगी बात। अब आपने कल एक फार्मूला पढ़ा एन वी डी वी 4πn(m/2π)kBT(3/2e^-mv²/2kBT(v²dv)। ये आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटीज था, स्पीड कह लें। तो हम कहते हैं कि लेट्स से भी मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके पास काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी वाले इस रेंज के अंदर है ई प्लस डी ई की, वो उतने ही होंगे जितने आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी रेंज के अंदर थे वी प्लस वी डी ई। यानी मैंने एक सिमेट्री बनाई कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद जो इस वेलोसिटी रेंज के अंदर आएंगे वी और वी प्लस डी वी की रेंज के अंदर, उनकी एनर्जी की रेशियो भी यही होगी यानी ई और ई प्लस डी ई। ये मैंने इक्वल मान ली, सेम मान लिए, ठीक हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं एन ई डी ई बराबर आ जाएगा एन वी डी वी के, यानी के जो आपके पास अब मॉलिक्यूल्स क्या थे वेलोसिटी के लिए एक रेशियो आई थी, कह लें डिस्ट्रीब्यूशन आई थी, वही डिस्ट्रीब्यूशन आप एनर्जी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो जनाब डी ई अगर आप आपके पास है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डी वी ओवर डी ई बन जाएगा। अगर एज अ होल इस सारे को मैं नीचे ले जाना चाहूं तो आप डी ई ओवर डी वी के तौर पर लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए, मुझे एन वी की वैल्यू चाहिए, डी ई ओवर डी वी की वैल्यू चाहिए इक्वेशन नंबर टू में। तो मैं क्या करता हूं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, क्या यहां से इसका मतलब वी की वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर मैं इस एनर्जी को वी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूं तो एम वी आ जाएगा, और आप यहां से वी की वैल्यू प्लेस कर सकते हो स्क्वायर रूट 2e/m और ये 2me आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज लेके मैं इक्वेशन टू में आता हूँ एन वी। तो इक्वेशन नंबर वन देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे इसके अंदर समझाना आसान है। ऊपर मुझे एन वी की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन वन से एन वी लिखा, डीवी डीवी से कट जाएगा, वी स्केयर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और ये मैंने मेजेंडा कलर में कर दिया एम वी स्केयर बाई टू, क्या इसे हम ई के तौर पर ले सकते हैं। तो ये सब्सिट्यूशन अगर मैं कर दूं तो डीवी डीवी से कटने के बाद क्या एन वी की वैल्यू ऊपर लगाई जा सकती है। तो
तो देखो इक्वेशन टू में ऊपर एनवी था, मैंने ऊपर एनवी की वैल्यू लगा दी। बदलाव किसमें किया, वी स्केयर की कीमत दर्ज की है, और ये जो मेजेंडा कलर में एमवी स्केयर बाई टू लिखा है इसकी जगह ई आ गया, और कुछ नहीं किया। और नीचे डिवाइडिंग फैक्टर क्या था, डी ई ओवर डी वी, क्या इसकी वैल्यू मेरे पास मालूम है, स्केयर रूट टू एमवी वो है। तो क्या इक्वेशन टू में वैल्यूज लग गई, बिल्कुल लग गई। अब आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके लिख देते हैं, मैं इसे साइड पे कर देता हूं। तो अब आप देखिए मैंने चीजें थोड़ी सी ना ब्रैकेट ओपन भी की है, पावरें अलग अलग कर दी ताकि मुझे चीजें समझानी आसान है। यहाँ पे m की पावर 3/2 है, ये m स्केयर रूट के अंदर है यानी 1/2, ये 3/2 बन गया। तो मैंने रेड कलर दे दिया कि m m से कट जाएगा। मैजेंडा कलर में पाई है, ऊपर 1 है, नीचे 3/2 है, ऊपर जाएगा माइनस के 3/2, तो आपके पास माइनस के 1/2 बचेगा जो नीचे आके स्केयर रूट में लिखा जाएगा। फिर क्या जनाब, अब आपके पास अगर यहाँ पे देखे 2 की पावर 3/2 है, ये 1/2 है, ये 2 है, अगर आप इसे करते तो 1/2 ऊपर जाता तो स्केयर रूट 2 ऊपर आ जाता, यानी पावर 1/2 कर लो। ये अब आप काट सकते थे चीजें एडजस्ट, यानी ये पावर सारी नंबर सारे एडजस्ट करते तो सिर्फ 2 बचता आपके पास। पाई कट चुका है, एम एडजस्ट हो चुका है, बाकी फैक्टर आपने सारे लिख दिए, के बी टी की पावर 3/2 एज अ होल कंबाइंड करके दोबारा लिख दिया आपने। ओके ये बात समझ आ गई, सिंपल सा यानी अलजेब्राई किया, चीजें सॉर्ट आउट की आपने। अब आपके पास ये नंबर आ गए, अब मैं कहूँ एन ई डी ई आ गया कि वो आपके पास दोनों तरफ डी ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई एन मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कहलाती है। अब इसमें कुछ शर्तें हैं कि ये मोनोटॉमिक गैस के लिए सिर्फ हमने यानी डेरिवेशन की है, क्यों, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी डिस्कशन में आई है, हमने बाकी एनर्जियां तो देखी नहीं। फिर गिवन टेम्परेचर के ऊपर आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन तमाम गैस के लिए क्या सेम वैल्यू देती है, इसका मतलब ये गैस के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही। आप इस टूल में देखो कहीं मास आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब फॉर एनी गैस तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेम वैल्यू दे रही होगी फॉर गिवन टेम्परेचर, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जो आपने टूल बनाया है इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ई की पावर माइनस ई ओवर के बी टी, ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, पर यूनिट मॉलिक्यूल देखूं तो एन दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दूंगा तो इसे मैं एफ ई से जाहिर कर दूंगा, तो ये आपके पास बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा, इसे एफ ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसी टूल में से एन दूसरी तरफ चला गया, यानी पर मॉलिक्यूल आपने देख ली इसमें वैल्यू क्या आती है। तो इस तरीके से अब हमारे पास इस चीज को डिस्कस किया जाता है। तो ये हमारे पास था जी, हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखी एनर्जी के लिए, कल का लेक्चर वेलोसिटी के लिए था। तो ये हमारा टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।